अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में पास्ता, वन पॉट पास्ता रेसिपी है ये। यानी कि आपको अलग से बॉईल करने की, पास्ता बॉईल करके लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पॉट में आपका पास्ता बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तेल लियूँ, तेल में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके अच्छे से भून ली हूँ मैंने, और मतलब उसकी जो रॉ स्मेल है वो निकल जाने तक भून ली हूँ। उसके बाद में मैंने इसमें चिकन के छोटे छोटे पीसेस करके चिकन ऐड की हूँ मैंने, और इसको भी मैं हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लूँगी जब तक चिकन की और अदरक लहसुन की पूरी तरह से स्मेल निकल जाएंगी, जो रॉ स्मेल होती है ना वो हट जाएगी। तब तक अच्छे से भून लेना है हमें इसे। और मेरे पास में चिकन क्यूब था तो मैंने वो भी ऐड किया इसमें। अगर आपके पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। इससे जो फ्लेवर है ना चिकन का, और मतलब टेस्ट और बढ़ जाता है इसमें। इसके लिए मैंने डाली हो, अगर नहीं नहीं है अगर आपके पास में तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ना भी डाले तो भी वैसे भी टेस्टी बनेगा ये। तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च और प्याज। आपके पास में रेड और येलो बेल पेपर होंगे तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, और मटर भी, ग्रीन पीस भी जो होते हैं तो वो भी, फ्रोजन ग्रीन पीस भी आप ऐड कर सकते हो इसमें। और इसको भी मैं हाई फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी इसके साथ में, चिकन के साथ में। और ये देखिए, ये जो मैंने डाली हो ना, ये टोमेटो प्यूरी है, टोमेटो का पेस्ट है ये। लेकिन उसके कलर से दिख रहा है आपको, कहीं से भी लगता है कि ये टोमेटो पेस्ट है। तो इसके लिए मेरे को ये कलर इसका मेंटेन करने के लिए मेरे को कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डालना पड़ा। टोमेटो के साथ में मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिलीज भी पीस ली हूँ, ये तो मुझे थोड़ी सी स्पाइसी चाहिए थी। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ग्रीन चिलीज जो है वो स्किप करके सिर्फ टोमेटो पीस के डाल सकते हो। और अच्छे खासे मैंने 5-6 बड़े टमाटर ली थी मैंने, रेड रेड देख के, लेकिन उसका कलर पता नहीं क्यों ऐसा आ गया। ये देखिए, अब मैंने इसमें कश्मीरी चिली पाउडर डाली हूँ। फिर इसमें नमक जाएगा, अब ये जो टमाटर का जो पानी है, टोमेटो प्यूरी का जो एक्स्ट्रा जो वाटर है इसका पानी है, तो वो अच्छे से सूखने तक हम हाई फ्लेम पे इसको भून लेंगे, और बीच बीच में चलाते रहना, ऐसा ना हो कि नीचे लग जाए। क्योंकि आगे मेरे साथ में ऐसा ही हुआ है, मैं पास्ता निकालने के लिए साइड में सरक गई और ये थोड़ा सा नीचे लग गया। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी मैं, और कलर के वास्ते मैंने और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाली थी। ये देखिए, इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। चिकन भी अच्छे से भून चुका है, चिकन भी अच्छे से भून चुका है और पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पास्ता। डायरेक्ट मैं पैकेट खोल के मैं आपके सामने ही इसमें ऐड करूंगी मैं पास्ता। मैंने बिल्कुल कोई उसको पास्ते को मैंने बॉईल वगैरह नहीं किया, इसी में बन जाएगा वो, दिखाती हूँ मैं आपको। और ये देखिए, मैं पास्ता लेने के लिए सरक गई और ये नीचे से थोड़ा सा लग गया, लेकिन शुक्र है कि ज़्यादा नहीं लगा, नहीं तो पूरे इसमें स्मेल आ जाती थी पास्ते में। और उसमें नमक मिर्ची आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना, कम ज़्यादा जो भी है आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और दूसरी भी अगर सब्जी ऐड करनी है आपको तो ग्रीन पीस ऐड कर सकते हैं, कैरेट ऐड कर सकते हैं, रेड और येलो बेल पेपर्स ऐड कर सकते हो आप इसमें। अब मेरे पास में यहाँ पर ये दो किस्म के पास्ता दिख रहा है आपको यहाँ पर तो यहाँ पर मेरे पास में दो शेप के पास्ता था। एक जो है वो आधा किलो का, ये जो पेने पास्ता था, और ये जो एल्बो पास्ता है तो वो थोड़ा सा बाकी था, तो मैं बोली वो क्यों रख लूँ, तो उसको भी ऐड कर दी मैंने। जब थोड़ी सी क्वांटिटी में कोई चीज़ बच जाती है ना तो फिर वो रहते ही चली जाती है, उसका कभी मुहूर्त नहीं निकलता। वो थोड़ी सी चीज़ बनाने के लिए ना दिल नहीं होता है, तो फिर वो इसमें ऐड कर ली मैंने। अभी इसमें पानी डालूंगी मैं, और पानी इतना डालूंगी कि जो पास्ता है वो अच्छे से कवर हो जाए बस।
बिल्कुल भी ओवर कुक या तो ऐसा सौगी सौगी सा नहीं होता ये। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पानी जो आप डालेंगे तो वो इतना डालना है कि पास्ता पूरा कवर हो जाए उसमें। और इसमें फिर मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी टोमेटो केचप। आजकल टमाटे भी इतने महंगे आ रहे हैं और उस पर से इसका कलर पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया होगा तो बताना मुझे, क्योंकि तो टमाटर का कलर कुछ अजीब ही हो गया था। तो फिर इसके लिए मैंने उसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल के उसका कलर मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कलर लाइट ही है थोड़ा सा। तो अभी फिर मैंने इसमें जब टमाटो केचप जब ऐड की तब थोड़ा सा कलर इसका स्टेबल हो गया है। अभी इस स्टेज पे ना आप इसमें सॉल्ट वगैरह चेक कर लेना। देखिए मैंने सॉल्ट इसमें चेक करी, थोड़ा सा कम लगा मुझे तो मैंने और ऐड कर दी सॉल्ट। अभी इसको हाई फ्लेम पे रख देंगे बॉईल होने के लिए और बीच बीच में हल्के हाथों से उसको घुमाते रहना। ये देखिए पास्ता हमारा अच्छे से कुक हो रहा है। बल्कि मुझे तो वो जो बॉईल करके पास्ता उसका पानी जो ड्रेन करते हैं हम, तो उससे ये पास्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है। इजी टू कुक है, फटाफट से रेसिपी बन जाती है और खाने में भी टेस्टी। हाँ तो अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट भी कर लेना। देखिए पास्ता भी अच्छे से खुला खुला है, टूटा नहीं है, खाने में भी इतना टेस्टी है। इसको आप केचप के साथ में सर्व करो या शेजवान चटनी के साथ में सर्व करो, वह आपके चॉइस है। एक बार बना के ज़रूर देखना, ट्राई करके देखना, थोड़ा सा बना के देखना। अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो वो उस रेसिपी को, लेकिन गारंटी है मेरी कि आपको पसंद आएगा ही आएगा, क्योंकि तो इतना क्विक फास्ट बनने वाली रेसिपी है और उसमें कोई झंझट नहीं ना, अलग से बॉईल करने की झंझट नहीं। ठीक है, मिलते एक नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर।